मेरा नाम दिव्यांशी चैन है, मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है नवी ग्रेडियंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन लखनऊ। मेरे 12th में इस साल 600 out of 600 आए हैं। मेरे सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड इंश्योरेंस। मेरे पापा की एक शॉप है और मेरी मम्मी एक होम मेकर हैं। मैंने स्टार्टिंग से प्रिपेयर किया था और मैंने नोट्स भी बना के रखे हुए और मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश की थी और मैंने कभी अपने आर्ट्स तो नहीं काउंट की थी कितनी देर पढ़ती हूँ, पर जितना पढ़ती थी उसको एक बार रिवाइज करती थी और चेक करती थी कि मुझे कितना समझ में आया है। और मैंने क्वेश्चंस बना के रखे थे कि मैं प्रिपेयर कर सकूँ कि मुझे कितना आया है। और मैं नेट से भी थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी और बाकी सब जगहों से भी। NCERT पे मैंने फोकस किया था और मैंने गाइड्स ज़्यादा नहीं ली थी। मैंने साल भर पढ़ाई की थी स्टार्टिंग से, क्योंकि मेरे स्कूल में साल भर टेस्ट होते थे, क्लास में भी यूनिट टेस्ट और रिविजन्स हुआ करते थे। और मेरी टीचर्स ने इस चीज़ पे जोर दिया था कि स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहिए क्योंकि लास्ट में क्रैमिंग से कुछ नहीं होता, क्रैमिंग से आप भूल सकते हैं। और मैंने स्लीप भी प्रॉपरली ली थी, जो 8 घंटे सबको लेनी चाहिए, उतनी देर ही मैं सोती थी। मेरे सब्जेक्ट्स थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, संस्कृत एंड इंश्योरेंस। सफलता का क्या मंत्र है आपकी? मैंने स्टार्टिंग से तैयारी की थी और मैंने कभी अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया पढ़ने के लिए। मैंने हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ा है और कभी कभी ऐसा भी होता था जब मैंने नहीं पढ़ा हो लेकिन मैं फिर कवर अप कर लेती थी। जो पढ़ती थी उसको मैं खुद से एक बार टेस्ट करती थी कि मुझे कितना आया है। मैंने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ रट लिया हो, क्योंकि यहाँ टेस्ट होते थे उसमें जो मैं मिस्टेक्स करती थी मैं उनको फिर से सही करने की कोशिश करती थी। आप कितने घंटे पढ़ती थी डेली? घंटे तो मेरे काम नहीं थे, पर मैं इतना देखती थी कि मैं हर दिन थोड़ा सा पढ़ूँ, हर दिन थोड़ा सा पढ़ूँ, क्योंकि फिर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी से फिर आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं।